180 क्षेत्राधिकार मतलब 180 कंट्रीज में पत्रकारों को जो स्वतंत्रता प्राप्त है उसका वार्षिक सूचकांक रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अनुसार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्कोर 36.62 से गिरकर 31.28 हो गया है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में। स्कोर गिरा है 36.62 से 31.28, लेकिन इसका रैंक सुधर गया है 161 से 159 हो गया है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि अन्य देश की रैंकिंग में गिरावट आ गई है। पांच सूचकांक है जिनमें कि केवल सुरक्षा सूचकांक में ही भारत के अच्छे अंक आए हैं, बाकी में भारत के अंक गिर गए हैं। तुर्की, पाकिस्तान और श्रीलंका जिनका कि 158, 152 और 150 है, उससे भी भारत का स्कोर पीछे है, रैंक पीछे है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर वर्ल्ड लेवल पर प्रेस की स्वतंत्रता में औसतन 7.6 अंकों की गिरावट आई है, यानी कि उनका स्वतंत्रता दिन पर दिन घटते जा रहा है। नॉर्वे इसमें फर्स्ट रैंक पर है और डेनमार्क का रैंक सेकंड है। जिन देशों में प्रेस की स्वतंत्रता अच्छी है वे सभी यूरोप में है और ज़्यादातर विशेष रूप से यूरोपीय संघ के अंतर्गत है। इसमें सबसे खराब स्थिति माघरेब का रहा है और मध्यपूर्व क्षेत्रों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। सबसे नीचे का रैंक आया है एरिट्रिया का और सीरिया उससे कुछ ही आगे था। अब हम जानते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के बारे में। ये एक वार्षिक रिपोर्ट है जो वैश्विक मीडिया निगरानी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जैसा कि पहले हमने बताया है। ये 180 देशों में पत्रकारों को जो भी स्वतंत्रता प्राप्त है उसका सूचकांक करता है। इसमें पांच श्रेणियां शामिल है। राजनीतिक संदर्भ में देखा जाता है, कानूनी ढांचा देखा जाता है, आर्थिक संदर्भ में देखा जाता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में देखा जाता है और सुरक्षा सूचकांक देखा जाता है। इंडिया केवल सुरक्षा संदर्भ में ही सही है, बाकी सब में उसका स्थिति खराब है। यह केवल प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, ये पत्रकारिता की गुणवत्ता को, उसके क्वालिटी को नहीं मेजर करता है, ना ही वहाँ पे ह्यूमन राइट का जो उल्लंघन होता है, मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, उसको भी नहीं देखता है। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का अंक कितना आया है? 36.62 से गिरकर 31.28, और इसका रैंक अब लेकिन बढ़ के हो गया है 161 से 159। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।